नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रैक कंपटीशन के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं सौरभ चौधरी आपके लिए आ गया हूँ फिर से रीजनिंग के एक उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। देखिए, अभी तक हमने रीजनिंग में एनालॉजी करा था। मैंने आपको सिर्फ अभी तक ये बताया एनालॉजी कितने तरीके की होती है। क्या बताया? कि एनालॉजी कितने तरीके की होती है, ये मैं आपको अब तक बता चुका हूँ। अच्छा, अब हम आगे ये देखेंगे। सबसे पहला तरीका, अब हम वर्ड एनालॉजी कर लेते हैं। कल मैंने आपको वर्ड एनालॉजी, न्यूमेरिकल एनालॉजी और अल्फाबेटिक एनालॉजी तीनों के कुछ कुछ क्वेश्चन दिखाए थे। तो आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वर्ड एनालॉजी। आज हम वर्ड एनालॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको वर्ड एनालॉजी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, आपको उसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। बाकी तो ये जितना आप याद करते जाएंगे, जितना मतलब जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है कि क्लॉक एंड टाइम। क्या क्वेश्चन है? कि क्लॉक एंड टाइम, यानी कि जिस तरीके से टाइम घड़ी से रिलेटेड है, ये बताइए थर्मामीटर से क्या रिलेटेड है। करा चुका हूं मैं आपको ये पहले, जल्दी बताइए। ये दिख रहा है क्लॉक से जिस तरीके से टाइम रिलेटेड है, आपको ये बताना थर्मामीटर से क्या रिलेटेड है। जल्दी बताइए, थर्मामीटर से क्या रिलेटेड है, जिस तरीके से क्लॉक से टाइम रिलेटेड है। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, जल्दी बताइए। देखिए, हीट नहीं, हीट नहीं होगा। देखिए, क्लॉक क्या काम करती है? क्लॉक काम करती है टाइम दिखाने का। क्या काम करती है? टाइम दिखाने का। थर्मामीटर क्या काम करता है? थर्मामीटर काम करता है आपका टेम्परेचर नापने का। क्या करने का? टेम्परेचर नापने का। तो व्हाट इज द राइट आंसर? डी इज द राइट आंसर, ना सी ना बी ना ए। व्हाट इज द राइट आंसर? डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 14, मुस्लिम्स मॉस्क्यू देन सिक्स वेयर। जल्दी बताइए। देखिए, मुसलमान मस्जिद, सिख कहाँ पे? जल्दी बताइए। इसे तो बहुत इजी है, आप इंडिया में रह रहे हैं, आपको ये तो जरूर पता होना चाहिए। जल्दी से मेरे को बताना है, बताइए इसका क्या हो सकता है। मुस्लिम मॉस्क्यू सिक्स व्हाट, यानी कि मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं क्या अपनी प्रेयर करने? ना, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं तो सिख कहाँ पे जाते हैं? जल्दी बताइए। देखिए, गोल्डन टेम्पल जाते हैं, लेकिन गोल्डन टेम्पल भी एक गुरुद्वारा है, तो इसको गोल्डन टेम्पल मत लगा क्या ना, जब ऑप्शन में गुरुद्वारा दे रखा हो। तो क्या राइट आंसर है इसका? जल्दी बताइए। डी इसका राइट आंसर है, गुरुद्वारा जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सिख गुरुद्वारा जाते हैं पूजा करने। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। 15th क्वेश्चन देखिए आपकी आंखों के आगे। पॉ इक्वल टू कैट देन हुफ इक्वल टू व्हाट, यानी कि पंजा मारना बिल्ली, खुर मारना क्या? देखिए, पढ़ने हिंदी में आप पढ़ लोगे तो हिंदी तो आपके लिए वरदान है, मैंने पहले भी बताया। पंजा मारना बिल्ली, खुर मारना क्या? जल्दी बताइए। देखिए, बिल्ली क्या मारती है? पंजा मारती है, तो खुर कौन मारता होगा? घोड़ा, शेर, भेड़ या हाथी? क्या हाथी के खुर होते हैं? जी नहीं, भेड़ के? जी नहीं, शेर के? जी नहीं। तो खुर कौन मारेगा? जल्दी बताइए। खुर मारेगा घोड़ा। घोड़े के खुर होते हैं ना, जिनको हार्ड हार्ड पैर होते हैं नीचे से, उनको कहते हैं खुर। तो खुर कौन मारता है? घोड़ा खुर मारता है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे, जल्दी देखिए। 16th नंबर का क्वेश्चन आपके आगे। ट्रेवलर जर्नी सेलर वॉट, जल्दी बताइए। देखिए, जो ट्रेवलर होता है यानी कि यात्री, यात्रा, नाविक क्या? जो यात्री है वो क्या करता है, ये बताइए। यात्री क्या करता है? यात्री करता है यात्रा, तो बताइए नाविक क्या करेगा? जल्दी बताइए, नाविक क्या करेगा? क्या पानी? नहीं, पानी क्यों करेगा नाविक? क्या जहाज? जी नहीं, पानी में सफर करेगा, जहाज से सफर करेगा, लेकिन करेगा क्या? समुद्री यात्रा। क्या करेगा? समुद्री यात्रा। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? जल्दी से बताइए। सी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, ऐसे ही सीखते जाएंगे सभी बच्चे। चलिए जल्दी से आगे नेक्स्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे। टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर का क्वेश्चन है। ट्रैक्टर ट्रेलर हॉर्स देन वॉट, यानी कि ट्रैक्टर ट्रेलर है तो हॉर्स क्या होगा? जल्दी बताइए।
बहुत इजी क्वेश्चन, हिंदी में पढ़ लो एक बार। ट्रैक्टर के पीछे क्या बंदी होती है? ट्रैक्टर के पीछे होती है ट्रॉली या ट्रेलर। तो घोड़े के पीछे क्या होगा ये बताइए। ये देखिए आप देख रहे हैं, ट्रैक्टर के पीछे क्या होता है? ट्रेलर, यानी कि ट्रॉली भी बोल सकते हैं। तो घोड़े के पीछे क्या होगा जल्दी बताइए, घोड़े के पीछे क्या होगा जल्दी बताइए। अस्तबल। जी नहीं, अस्तबल तो वो होता है जहां पे घोड़े रहते हैं। बुग्गी। हाँ सैडल, सैडल वो होता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। सैडल क्या होता है? जिसको घोड़े के ऊपर रखते हैं और उसके ऊपर बैठते हैं, यानी कि घोड़े की सीट जिसके ऊपर हम बैठते हैं वो क्या होता है? सैडल होता है। इंजन। जी नहीं, घोड़ा इंजन थोड़ी खींचता है, ना इंजन ना सैडल। क्या बंदा होता है पीछे? बुग्गी। क्या होती है? बुग्गी, इंग्लिश में बोले तो कार्ट। हॉर्स के पीछे होती है कार्ट, यानी हिंदी में बोले तो बुग्गी। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी देखिए। फर्ज, साफ पानी, सॉल्ट वाटर, वॉट? पर्च, साफ पानी, तो नमकीन पानी, क्या जल्दी बताइए। देखिए पर्च एक समुद्री जीव का नाम, समुद्री तो नहीं, समुद्र तो खारा होता है, एक पानी के जीव का नाम है जो कि साफ पानी के अंदर रहता है। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि सॉल्ट वाटर में, नमकीन वाटर में इनमें से क्या रहता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से मुझे आंसर बताइए बच्चों, इनमें से क्या रहता है? जल्दी बताइए। देखिए चलिए मैं बताता हूं, ये देखिए क्रोकोडाइल साफ पानी में रहता है। क्या समुद्र में क्रोकोडाइल होता है? जी नहीं। क्या समुद्र में मेंढक होता है? जी नहीं। क्या समुद्र में सांप होता है? जी नहीं। क्या होता है? सी, यानी कि कॉड। एक कॉड, ये भी एक समुद्री जीव होता है, आप इसको नेट पे सर्च करके देखना आज कॉड क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी बर्ड, देन एंथ्रोपोलॉजी क्या? ऑर्निथोलॉजी बर्ड, एंथ्रोपोलॉजी क्या, जल्दी से मेरे को बताइए। देखिए ऑर्निथोलॉजी होता है बर्ड की स्टडी। क्या होता है? बर्ड की स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। तो किसकी स्टडी को हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, जल्दी से बताइए। एंथ्रोपोलॉजी किसकी स्टडी को बोलते हैं? प्लांट, एनिमल, मैनकाइंड या एनवायरनमेंट? जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए प्लांट नहीं होता, एनिमल नहीं होता, मैनकाइंड होता है। क्या होता है? मैनकाइंड की स्टडी को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी होते हैं जो करते हैं। देखिए एक होता है एंथ्रोपोलॉजी, एक होता है जिस्ट। जी और जिस्ट में मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस होता है। जैसे ये लिखा है आपके सामने, इसी को ऑप्शन को देखते हैं, ऑर्निथोलॉजी लिखा है। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? बर्ड की पढ़ाई को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, और जो इस पढ़ाई को करता है उसको क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं उसको। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 देखिए आपके आगे, मदर चाइल्ड, जिस तरीके से मदर रिलेटेड है चाइल्ड से, यानी कि माँ रिलेटेड है बच्चे से, उसी तरीके से बताइए बादल से रिलेटेड क्या होगा, जल्दी बताइए। बादल से रिलेटेड क्या होगा? वेदर, मौसम, वर्षा, गड़गड़ाहट या पानी? मैं बताऊंगा थोड़ा सा, आपको आंसर दूं, थोड़ा सा कुछ हिंट मिलेगा आपको। जल्दी देखिए, जल्दी से मेरे को आंसर बताइए इसको देख के, क्या हो सकता है? देखिए माँ जन्म देती है किसको? बच्चे को, यानी कि बच्चे के जन्म के पीछे किसका कारण होता है? माँ का। तो बादल किसको जन्म देता है इनमें से? वेदर को, मौसम को? जी नहीं, मौसम तो गर्मी हो जाए तो क्या उसको बादल थोड़ी जन्म दे रहा है। जी हाँ, वर्षा को। किसको? वर्षा को। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर,
वर्षा, वर्षा को जन्म कौन देता है? बादल देता है। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी आंखों के आगे। वेनरेट, वर्शिप, एक्सटॉल, क्या? यानी कि आदर करना, प्रार्थना, जिस तरीके से आदर करना प्रार्थना से रिलेटेड है ना, उस तरीके से बताइए प्रशंसा करना किस चीज से रिलेटेड है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए इसमें अगर आप ये देखेंगे कि आदर करना, क्या आदर करना और प्रार्थना कहीं ना कहीं एक ही बात है। जिसका आप आदर करते हैं उसी की आप प्रार्थना करते हैं। भगवान है, भगवान के आप आदर करते हैं और भगवान की आप पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे क्या है, एक जैसे शब्द है जिनका मतलब एक ही होता है। इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनिम्स। प्रशंसा करना, अब इनमें से प्रशंसा की तरह क्या ही होता है? ये होमेज, श्रद्धांजलि देना, जी नहीं, प्रशंसा करना नहीं होता। प्रशंसा, ये तो प्रशंसा है, ये वर्ड है खाली, कॉम्प्लीमेंट। प्रशंसा करना यानी कि गुणगान करना आसपास। तो ए और सी में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, किसमें? ए और सी में। मैं आपको बताऊं इसका आंसर होगा ए, गुणगान करना। देखिए प्रशंसा और प्रशंसा करना दोनों बहुत अलग चीज है, एक बार ध्यान दीजिएगा। प्रशंसा और प्रशंसा करना बहुत अलग है, तो गुणगान करना प्रशंसा करना मतलब होता है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर, जल्दी से मैं इसका आंसर देने का प्रयास करें। ऊष्मा संवहन यानी कि हीट कन्वेक्शन स्पेस, क्या? जल्दी से बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऊष्मा संवहन खाली जगह, क्या? देखिए जैसा कि आप देखेंगे कि ऊष्मा, ऊष्मा से कन्विक्शन यानी कि हीट फैलने को कहते हैं कन्विक्शन, या कन्विक्शन या हीट फैलते हैं कन्विक्शन के द्वारा, ऐसे बोल सकते हैं, हीट फैलते हैं कन्विक्शन के द्वारा। खाली जगह में क्या फैलता है जल्दी बताइए। कंडक्शन, प्रवाहन, जिन्हें कंडक्शन तो तब होता है जब कोई कोई चीज टच हो। आयंस, जो किस चीज के छोटे छोटे कण होते हैं ना, अणु जिनको बोलते हैं हिंदी में, जब वो टच होते हैं तब होता है कंडक्शन। तो ये नहीं होगा। ट्रांसफरेंस, ये भी टच के साथ होता है। वैक्यूम, खाली जगह में वैक्यूम हो जाता है अगर हम वहां की हवा खींच लें, लेकिन ये फैलता नहीं है। रेडिएशन, क्या? रेडिएशन, खाली जगह में क्या फैलता है? रेडिएशन फैलता है खाली जगह में, यानी कि स्पेस में क्या फैलता है? रेडिएशन। ये स्पेस वाला स्पेस नहीं, आसमान वाला, वो स्पेस अलग होता है, वो अंतरिक्ष होता है। ये खाली जगह वाला है, यानी कि कोई कमरा है, खाली जगह है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रेडिएशन है, तो रेडिएशन पूरे कमरे में फैल जाएगी। ये है इसका आंसर, ऐसे समझिए इसको। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा 23 क्वेश्चन है। ग्रोथ, डेथ यानी कि विकास से, विकास रिलेटेड है मृत्यु से, किससे? मृत्यु से। तो बढ़ना किससे रिलेटेड है जल्दी बताइए, बढ़ना किससे रिलेटेड है? कहीं ना कहीं देखेंगे विकास का अपोजिट होता है मृत्यु। विकास जहां रुक जाता है उसको कहते हैं मृत्यु। अब बताइए बढ़ना, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए बस इसका मेरे को। उच्चो देखिए अभी मैंने बताया जहां पे हमारा विकास होना रुक जाता है वो होती है मृत्यु, वो होती है मृत्यु। और जहां पे हम बढ़ना रुक जाते हैं वो क्या होता है? बंद करना। जब कोई चीज बढ़े ना, इंक्रीज, बंद हो जाए उसका, यानी कि वो बंद हो चुकी है वहां पे, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी, हम ज्यादा क्वेश्चन करना चाहेंगे, जितनी प्रैक्टिस उतना अच्छा होता है। ये चैप्टर ही ऐसा है इसमें जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए जल्दी से देखिए 24वां क्वेश्चन है, ऑक्सीजन जलना। देखिए ऑक्सीजन किससे रिलेटेड है? बर्न से, जिस तरीके से, जिस तरीके से, उसी तरह बताइए कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज से रिलेटेड है, जल्दी बता दीजिए मेरे को, जल्दी बताइए। देखिए ऑक्सीजन किस चीज में काम आती है?
किसी चीज को जलाने के, किसी चीज को जलाने के, और कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज के काम आती है, किसी चीज को बुझाने के। अच्छा आपने देखा फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, जो आपके स्कूलों में, बस में, हर जगह इमरजेंसी की जगह रखना पड़ता है फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड को उसके अंदर भरा जाता है एज अ पाउडर की फॉर्म में, ताकि आग लगने पर उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ जाए। ऑक्सीजन आग को हमेशा बढ़ाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा आग को कम करती है। चलिए लगे हाथ एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। मेरे को ये बताइए, जो ड्राई आइस होती है, ड्राई आइस होती है ना, वो किस चीज़ से बनती है, जल्दी बताइए। ड्राई आइस, और ड्राई आइस हमें किस चीज़ का एग्जाम्पल देती है, दो चीज़ बतानी है, किस चीज़ से बनती है और किस चीज़ का एग्जाम्पल देती है, दो चीज़ आपको बतानी है, मेरे को जल्दी से बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ड्राई आइस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड से। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड फॉर्म में ले आते हैं ना, डायरेक्ट गैस से सीधा सॉलिड फॉर्म में ले आते हैं, तो वो बन जाती है ड्राई आइस। बर्फ का काम करती है, जो कि ये आइसक्रीम वाले लेके घूमते रहते हैं, लेकिन पिघलती नहीं है वो, पिघलती नहीं है वो बर्फ, पानी में नहीं बनती वो बर्फ, सीधा हवा बन के उड़ जाती है। इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी सब्लिमेशन कहते हैं, यानी कि जब कोई ठोस चीज बिना पानी बने डायरेक्ट हवा बन जाए, या कोई हवा वाली चीज बिना पानी बने सीधा ठोस बन जाए, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। चलिए बहुत अच्छा, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसका काम करती है, बुझाने का। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 25वां क्वेश्चन देखते हैं। मैथमेटिक्स, लॉजिक, साइंस क्या, जल्दी से मुझे आंसर दे, कमेंट करके आंसर बताते जाइए, ऐसे बात नहीं बनेगी, जल्दी से। अच्छा आज मैं आपको दो या तीन वो भी दूंगा, क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दूंगा, ठीक है, जिससे ये पता लगे कि अच्छा आप क्या उतरे उस लेवल पे सोच पा रहे हैं। जल्दी से क्वेश्चन देखिए, गणित विज्ञान क्या, जिस तरीके से गणित रिलेटेड है तर्क से, गणित रिलेटेड है तर्क से, विज्ञान किस चीज से रिलेटेड है, जल्दी बता दीजिए मेरे को, विज्ञान किस चीज से रिलेटेड है। देखिए गणित मैथ्स के अंदर यूज करते हैं, तर्क, तर्क लगा लगा के देखते हैं कि यार लॉजिक कहीं तो लगना चाहिए। साइंस के अंदर क्या होता है, जल्दी बताइए। साइंटिस्ट, जी नहीं, साइंटिस्ट तो वो होते हैं जो साइंस करते हैं, यानी कि जैसे मैथ्स जो करते हैं होते हैं मैथमेटिशियन, जो साइंस करते हैं होते हैं साइंटिस्ट। एक्सपेरिमेंट हम करते हैं साइंस में, लेकिन लॉजिक से रिलेटेड नहीं हो। लेबोरेटरी वो होती है जहां पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक ए ऑप्शन बचा फैक्ट, अब देखिए मैं बताता हूँ, फैक्ट वो होते हैं जो चीज़ें हमेशा सच होती है, चाहे कहीं भी चले जाए, दुनिया के किसी कोने में चले जाए, वो चीज़ है तो है। जैसे मैं कह दूँ सूरज निकलता है पूरब से, ईस्ट से, तो सूरज ईस्ट से निकलेगा, चाहे मैं चाइना चला जाऊँ, चाहे मैं अमेरिका चला जाऊँ, चाहे मैं यूरोप चला जाऊँ, कहीं भी चला जाऊँ, चाहे समुद्र के अंदर चला जाऊँ, चाहे समुद्र के बाहर हूँ, सूरज निकलना पूर्व से ही है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक फैक्ट। तो साइंस के अंदर होते हैं फैक्ट और मैथमेटिक्स के अंदर होते हैं लॉजिक्स। चलिए बहुत अच्छे, ऐसे ही सही आंसर देते जाइए मेरे को जल्दी जल्दी। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए मातृ हत्या, यानी कि माता को मारना रिलेटेड है माता से, नर हत्या किस चीज से रिलेटेड है, जल्दी बताइए। होमोसाइड, मैट्रिसाइड होता है माँ की हत्या करना, होमोसाइड क्या होता है, जल्दी बताइए। ऑप्शन है आपके आगे ह्यूमन, चिल्ड्रन, फादर या एप्स, बंदर की हत्या करना, पापा की हत्या करना, बच्चे की हत्या करना, या फिर किसी मानव की हत्या करना, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। जल्दी बताइए सभी बच्चे। देखिए मैं बताता हूँ, नर, नर मतलब क्या होता है, नर मतलब होता है चाहे वो लड़का हो या लड़की, छोटा हो बड़ा, नर आ जाता सारी मानव जाति के लिए। तो क्या आंसर सही होगा, ए आंसर सही होगा इसका, चलिए जल्दी देखते हैं।
एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इनसे बस इसको एक बार सही कर दे, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए वापसी करते हैं, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, अभी घर से ही पढ़ाई हो रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पिजन पीस व्हाइट फ्लैग क्या, जल्दी बताइए। देखिए कबूतर और शांति सफेद झंडा तो क्या, इसका आंसर तो आपको बताना होगा खुद ही भाई, बहुत आसान है। कबूतर शांति सफेद झंडा क्या, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या। देखिए हमेशा जब भी आप ग्रीटिंग खरीदते हैं न्यू ईयर पे खरीदते जाता है, कभी न्यू ईयर के ही मानते हैं, न्यू ईयर के जब आप ग्रीटिंग्स खरीदते हैं, पहले खरीदते थे, आपके ज़माने में तो कोई खरीदता ही नहीं, फ़ोन को खोलते नहीं, एक टैक्स हो जाता सीधा, हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू, बस ऐसा हो जाता है। पहले क्या होता था, पहले आते थे एक ग्रीटिंग कार्ड्स, उन ग्रीटिंग कार्ड्स को हम खरीदते थे, देते थे, एक अलग ही लेवल की खुशी होती थी। तो उनके ऊपर छपे रहते थे सफ़ेद सफ़ेद से कबूतर, उनको कहते थे पिजन सफ़ेद कलर के, ठीक है। वो किस चीज़ का सिंबल होते थे, वो दर्शाते थे किसको, शांति को दर्शाते थे, किसको, शांति को दर्शाते थे। और सफेद झंडा किस चीज को दर्शाता, अब ये तो आपको बताना पड़ेगा, जब भी लड़ाई होती है सफेद झंडा किस चीज को दर्शाता, जल्दी से बताइए। देखिए सफेद झंडा दोस्ती को दर्शाता है, विक्टरी को, जीत को, युद्ध को, या आत्मसमर्पण या सरेंडर करना। लड़ाई हो रही है हम सफेद झंडा दिखा देते तो क्या होता है, दोस्ती होती है जी, नहीं दोस्ती नहीं होती, लड़ाई में कभी दोस्ती नहीं हो सकती सफेद झंडा दिखा के। क्या होता है, हार मान लेते हो आप उसके आगे, जब भी आप सफेद झंडा दिखाते हो ना आप हार मान लेते हो, क्या करते हो आप, हार मान लेते हो, यानी कि आप सरेंडर कर देते हो। ए बी और डी गलत है, दोस्ती नहीं होती, जीत नहीं होती, युद्ध नहीं होता, आप उसके आगे हार मान लेते हो, सी। बहुत अच्छे, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, तेहरान ईरान, मतलब कि ये देखिए लिखा है तेहरान, तेहरान और ईरान, बीजिंग क्या, जल्दी बताइए। ये कुछ इस तरीके से रिलेटेड है ऐसे, तो आपको ऐसे बताना, जल्दी बताइए, इतना ऑप्शन मैं आपको दे सकता हूँ कि कुछ ऐसे रिलेटेड है, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए क्या हो सकता है। अरे बीजिंग तो कितनी बार सुना है, सब बच्चों ने नाम सुना, बीजिंग क्या होता है, बीजिंग होती है किसकी कैपिटल, देखिए तेहरान, पहले आपको ये बता दें, तेहरान होती है ईरान की कैपिटल, ईरान की कैपिटल होती है तेहरान, और बीजिंग किसकी कैपिटल, जल्दी बताइए सभी बच्चे, बीजिंग कैपिटल है किसकी, चाइना की, किसकी कैपिटल है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ए, चाइना इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, आगे आगे बढ़ते हैं जल्दी से, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन करने। देखिए इनफ सफिशियंट एक्सेस क्या, बहुत पर्याप्त, बहुत जिस तरीके से पर्याप्त से रिलेटेड है, बहुत जिस तरीके से पर्याप्त से रिलेटेड है, आपको ये बताना है बहुत अधिक किस चीज़ से रिलेटेड है, जल्दी बताइए बच्चों। देखिएगा मैं समझाता हूँ, जब मैं आपको, आप मेरे घर आए, मैं खाना खिला रहा हूँ आपको, और मैंने कहा एक थोड़ी और दाल लेंगे, आपका कहा नहीं नहीं बहुत है, नहीं नहीं बहुत है, कहते हैं ना बहुत है, यानी कि मेरे लिए बहुत है, मैं जिग जाऊँगा एक कटोरी में, और उसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, नहीं ये पर्याप्त है मेरे लिए, ये मेरे लिए पर्याप्त है। तो ये एक दूसरे क्या हुए, सिनोनिम्स, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, एक दूसरे, इनका अर्थ बिल्कुल सेम है, बहुत मतलब भी वही होता है, मतलब भी वही होता है। अब मेरे को बताइए बहुत अधिक, यानी कि कुछ ज़्यादा, मैं कहते हैं ना अरे अरे नहीं ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर लीजिए, तो बहुत अधिक इनमें से किस चीज़ से रिलेटेड, जल्दी देखिए। हिंदी के लिए तो, हिंदी तो अवतार है यार, हिंदी भाषा रीजनिंग में होनी नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ हिंदी भाषा रीजनिंग में होनी चाहिए। देखिए हिंदी भाषा है यहाँ पे, बहुत अधिक का मतलब बहुत अधिक ही दे रखा डायरेक्ट, सभी बच्चे बता देंगे इसका आंसर बी होगा। अगर इंग्लिश होती ना एक्सेस, एक्सेस मतलब क्या है, सरप्लस, तो थोड़ा मजा आता भाई, आप नए शब्द सीखते, आप एक्सेस का मतलब सीखते, आप सरप्लस का मतलब सीखते, ये देखिए आप इनका भी मतलब सीखते, एडिक्वेंसी का मतलब सीखते, इम्पोर्ट का मतलब सीखते, तो इससे आपकी वोकैब और अच्छी होती। आप हिंदी में पढ़ रहे हैं अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन इन शब्द का मतलब ज़रूर पढ़ लीजिएगा, हिंदी में तो चलो पढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए सीपीओ में भी, और आपके
सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी, एमटीएस में भी, एसएससी के ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है। जीडी में इंग्लिश या हिंदी में चॉइस होते हैं, लेकिन बाकी सब में तो इंग्लिश आती है ना। अब आपको इंग्लिश थोड़ी तो आनी चाहिए भाई, आप इंडिया की कैपिटल में, कैपिटल में काम करना चाहते हैं, अगर आप सीपीओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इंग्लिश तो आनी चाहिए ना, ऑफिशियल वर्क के लिए, किसी को झाड़ने के लिए सही, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, देखिए, डार्क फियर जिस तरीके से अंधेरा दर्शाता है डर को, ईमानदार किस चीज को दर्शाता है? जल्दी बताइए मेरे को, अंधेरा, डर, ईमानदार, क्या? जल्दी बताइए। देखिए अंधेरे में हमको लगता है डर, और ईमानदार व्यक्ति से हमको क्या लगता है? ईमानदार व्यक्ति किस चीज के लिए होता है? जल्दी बताइए। पर्सनैलिटी के लिए होता है, पैसे के लिए होता है, दगाबाज होता है। क्या ईमानदार व्यक्ति दगाबाज होता है? जी नहीं, ईमानदार व्यक्ति तो भरोसे का आदमी होता है, ईमानदार व्यक्ति भरोसे का आदमी होता है। डी इज द राइट आंसर, इसका आपका डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आपके आगे, कन्वे शिप और डेप्यूटेशन क्या? रक्षक दल, जहाज और प्रतिनिधि मंडल क्या? जल्दी से बताइए मेरे को। देखिए कन्वे रक्षक दल शिप का होता है, प्रतिनिधि मंडल किसका होता है? जल्दी से बताइए। जो कन्वे होता है वो शिप्स के ग्रुप को कन्वे कहते हैं, तो प्रतिनिधि मंडल किस चीज के ग्रुप को कहते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी से आंसर बताइए इसका। देखिएगा अगर आप नजर मारेंगे तो वोटर्स के ग्रुप को प्रतिनिधि मंडल? जी नहीं, प्रतिनिधि मंडल ये नहीं। प्रतिनिधि कौन होता है भाई? हमारी तरफ से हमारा प्रतिनिधि ऐसे बोलते हैं ना, यानी कि हम सब लोगों को दर्शाता है, यानी कि रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, हमारे लोगों को दर्शाता है, हमारी बातों को आगे रखता है। तो प्रतिनिधि मंडल, मंडल से आप समझते हैं ग्रुप, किनका ग्रुप? प्रतिनिधियों का। अरे हिंदी में ही पढ़ लो, ये क्या लिख रहा है? प्रतिनिधि लिख रहा है ना, प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि मंडल क्या होगा? प्रतिनिधियों के ग्रुप को ही प्रतिनिधि मंडल कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं। टैनिंग चमड़ा, पायरोटेक्निक्स क्या? काफी हटके क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए, काफी हटके क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए। कभी आपने चमड़ा बनते हुए देखा है? बहुत देख भी नहीं पाओगे, ऐसा होता है वो जानवरों के, गाय भैंसों के, उनके खाल को उतार के उससे चमड़ा बनाया जाता है, जो प्योर लेदर होता है वो ऐसे ही बनता है। इसलिए लेदर को वर्जित करा जा रहा ज़्यादा से ज़्यादा पेटा की तरफ से। और हम मंदिरों में चमड़े की चीज़ें क्यों नहीं ले आते? इसलिए नहीं ले आते क्योंकि वो जानवरों की खाल से बनी होती है, तो हमको चमड़े को कम से कम क्या ख़त्म करना चाहिए, हमको नहीं पहनना चाहिए चमड़ा। हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं, और चीज़ें पहनो, चमड़ा ही पहनना है को, मतलब उनके लिए कितने जानवर कटते होंगे, मरते होंगे बेचारे, तो चमड़े को अवॉइड कीजिए, अवॉइड लेदर। पर फिर भी देखिए क्वेश्चन आया तो समझते हैं। टैनिंग बोलते हैं चमड़े के बनाने को, चमड़े के बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं टैनिंग। तो ये बताइए प्रोटेक्निक्स, सॉरी पायरोटेक्निक्स किस चीज के उसको बोलते हैं, प्रोडक्शन को, किस चीज के बनाने को पायरोटेक्निक्स बोलते हैं? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, फायरवर्क्स, क्या पटाखे, आतिशबाजी, देखिए उनको बोलते हैं पायरोटेक्निक्स। चलिए बहुत अच्छे, आगे बोलो ना, इस चैप्टर के आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छा होगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, कुछ वीडियोस दे दूंगा, कुछ आपके पास बुक्स होंगी, कुछ टेस्ट सीरीज होंगी, आप उन सब का करिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ, क्विज डालता रहता हूँ, वो क्विज सॉल्व कीजिए। ये तभी हो पाते हैं जब आप ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं, क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ेगी तभी आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को एकदम कर पाएंगे। चलिए देखिए, शार्क, मछली, लेवेंडर क्या? जल्दी बताइए, शार्क, मछली, लेवेंडर क्या? जल्दी से आंसर दीजिए।
मैं बताता हूँ शार्क एक क्या है, शार्क किस चीज में गिनते हैं, मछली बोलते हैं ना शार्क को, तो शार्क हुई एक मछली। लेवेंडर क्या होता है, लेवेंडर मैं बताता हूँ क्या होता है। लेवेंडर हम कलर्स में देखते हैं, कभी सुना लेवेंडर कलर, बहुत कम सुना होगा क्योंकि हम तो यही सुनते हैं भाई, लाल रंग दे दे, लीला रंग दे दे, काला रंग दे दे, सफेद, पीला, हरा, बैंगनी, ऐसे रंग सुने। लेकिन लेवेंडर और बर्जिन, बर्गरी, ऐसे शब्द नहीं सुनोगे। ऐसे शब्द कहाँ सुनते हैं, बड़े बड़े शोरूम्स में, जैसे जारा का शोरूम हो गया, एलवी का शोरूम हो गया, लुइस फिलिपी का शोरूम हो गया, इन सब शोरूम्स में आप क्या सुनते हैं, ऐसे ऐसे कलर सुनते हैं। अच्छा सर मैं बर्गेंडी कलर अच्छा नहीं लग रहा, लेवेंडर में दिखाइए, ऐसा होता है ना। तो लेवेंडर कलर होता है, मैं बता देता हूँ कैसा होता है आपके लिए, थोड़ा पर्पल सा होता है। कैसा, पर्पल, पर्पल टाइप का कलर होता है, उसको कहते हैं लेवेंडर। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको ध्यान आएगा। आपने देखा हो इतने इतने से पेड़ होते हैं, कितने इतने थोड़े और इतने इतने से पेड़ होते हैं, झाड़ी, पेड़ नहीं झाड़ी होती है, उनके ऊपर एक फूल सा होता है, और वो कई बार पेड़ भी इसी कलर के होते हैं, वॉयलेट कलर के, ठीक है, वॉयलेट कलर के फूल से होते हैं, उनको कहते हैं लेवेंडर, लेवेंडर के फूल, ठीक है। वो कैसे रंग के होते हैं वो तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन होते क्या, वो पेड़ होते हैं, जड़ी बूटी होते हैं, पर्वतारोही, क्लाइंबर, ये तो बिल्कुल काट दो, क्लाइंबर वो होता है जो पहाड़ चढ़ता है, जो पहाड़ चढ़ता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा जी। वो झाड़ी होता है भी मैंने आपको बताया, इतने बड़े बड़े होते हैं सिर्फ, वो क्या होते हैं, वो होते हैं झाड़ी। चले बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बटर मिल्क बुक क्या, बटर मिल्क बुक क्या। अच्छा ये बताइए, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क लेना चाहेंगे, लेना चाहेंगे कुछ क्वेश्चन होमवर्क। चलिए दो क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, सिर्फ दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। बटर मिल्क, समझा देता हूँ, मक्खन जिस तरीके से दूध से रिलेटेड है, ये बताइए किताब किस चीज़ से रिलेटेड है, ऑथर से, प्रिंटिंग से, चैप्टर से, पेपर से, जल्दी देखिए। और अगला क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कमेंट करके जल्दी से आंसर बताइए, मैं देखूंगा जरूर किस किसने सही आंसर बताया। 35 क्वेश्चन देखिए, कार, पेट्रोल, टेलीविजन क्या। कार, पेट्रोल, जिस तरीके से कार पेट्रोल से रिलेटेड है, जिस तरीके से कार पेट्रोल से रिलेटेड है, वो बताए टेलीविजन किस चीज़ से रिलेटेड है। ऑप्शन आपके आगे इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन, एंटरटेनमेंट, एंटीना, चार ऑप्शन आपके आगे, जल्दी से मेरे को बताइए किस चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। ये दो क्वेश्चन आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी देखिए आज हमने क्या करा, आज हमने आपको ये कंप्लीट करा दिया, एक सेकेंड, हमने आपको ये कंप्लीट करा दिया कि इसके कंप्लीट क्या, कंप्लीट नहीं कराया, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है इसके लिए, साफ बोलता हूँ, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है, तो प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको कंटिन्यू ऐसे छोटी छोटी वीडियो डालते रहूँगा इसके लिए। अभी हमने वर्ड एनालॉजी कर ली, अब हम कल स्टार्ट करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस, या तो अल्फाबेटिक एनालॉजी पे या फिर नंबर एनालॉजी पे। दो वीडियो और आनी है सिर्फ, एक तो अल्फाबेटिक एनालॉजी पे और एक इस पे, अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल एनालॉजी, दो हो गई, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी। फिर इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या तो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे या डाइस स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन या डाइस। चलिए आप बताइए क्या स्टार्ट करें, उस हिसाब से हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या तो डाइस या फिर क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए, क्लासिफिकेशन चैप्टर इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। उसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ, क्लासिफिकेशन चैप्टर में चार शब्द दिए जाते हैं, ये चार कुछ भी ऑप्शन दिए जाते हैं, उन चार ऑप्शन में से तीन कहीं ना कहीं एक जैसे होते हैं, ये किसी ना किसी तरह एक तरीके से रिलेट होते हैं, उनसे एक अलग होता है, आपको वो छांट के अलग करना होता है, वो आंसर देना होता है, तो ये अलग है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, दीवार, 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 छत, दीवार, छत, कमरे और घर, दीवार, छत, कमरे और घर, जल्दी बताइए। देखिए इसमें राइट आंसर होगा इसका घर, क्या राइट आंसर होगा, घर, क्योंकि दीवार, कमरे और घर ये तीनों किसके हिस्से हैं, ये तीनों कहीं ना कहीं घर के हिस्से हैं, और घर तो खुद एक घर है, तो अलग क्या हुआ, घर अलग हुआ। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, समझेगा, देखिए ये वाला एग्जांपल देखिए, कार, टैक्सी, कार, टैक्सी, ऑटो और ट्रक, जल्दी दीजिए आंसर।
कार, टैक्सी, ऑटो, ट्रक, क्या अलग होगा? जल्दी बताइए 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 क्या अलग हो सकता है। देखिए अगर देखेंगे तो कार, ट्रक और टैक्सी चारों गाड़ियों होते हैं, सबके चार चार टायर होते हैं, लेकिन ऑटो के कितने टायर होते हैं? तीन टायर होते हैं। तो क्या इसका राइट आंसर हुआ? ऑटो इसका राइट आंसर हुआ। चलिए एक चैप्टर हम आगे स्टार्ट करेंगे, अब इसकी दो वीडियो आने रह रही हैं बस, एक तो वर्ड तो करा दिए हमने, एक तो न्यूमेरिकल एनालॉजी और आपकी अल्फाबेटिकल एनालॉजी। ये देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हमारा यूट्यूब चैनल क्रैक कॉम्पिटिशन 1-2-3, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट और लाइक करते रहिए, थोड़ी बहुत शेयर कर दीजिए, हमको अच्छा लगेगा, हम अपनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए कल मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हो आपका दिन शुभ मंगल हो।